आज हम पहुंचे हैं भीलवाड़ा के एक ऐसे छोटे बालक के पास में जो सिर्फ केवल महज 5 वर्ष की उम्र के अंदर उसने अंतरराष्ट्रीय बुक रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड 2023 के अंदर अपना नाम दर्ज करवा लिया और वह नाम दर्ज करवाया एक श्रीराम स्तुति के कारण से। हम लोग पूरी बात करेंगे उनके पिता से कि कहां से उनको ये जो है शिक्षा मिली कि छोटे से बालक को जमीन से उठा करके ऊपर तक जहां पर इंडिया बुक रिकॉर्ड के अंदर उनका नाम दर्ज करवा दिया। हम बात करते हैं उनके पिताजी से। नमस्कार सर, आप हम बताइए कि ये छोटा सा जो बालक है 5 वर्ष की उम्र का, कहां से इसको राम स्तुति की जो है शिक्षा मिली? वो कहते हैं ना कि अपन बच्चों को जिस तरह से शुरू से उनके बचपन से मोल्ड करते हैं तो उनका बड़े होने के बाद में उसी तरह से रूप निखरता जाता है। पार्थ, जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो घर का वैसे भी एनवायरनमेंट ऐसा रहता है कि सुबह से पूजा वगैरह का करना, गायत्री मंत्र बोलना, महामृत्युंजय मंत्र बोलना, इसका भी शुरू से ही है था। महज 2-3 वर्ष का था तब से ही इसने गायत्री मंत्र बोलना और महामृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। इसी इंटरेस्ट को देखते हुए और प्लस इसका म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो म्यूजिक की क्लासेस चालू कराई। वो इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते एक दिन राम स्तुति इसने चालू करी तो 1-2 लाइन सीखी तो इसका ऐसा था कि 1 सीखी 2 सीखी 3-4 लाइन इसका कंटिन्यू गाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारे जो म्यूजिक वाले सर थे उनके साथ में हमने इस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया और उसी को सपोर्ट में लेते हुए इसको 2-2 3-3 लाइन कंटिन्यू कराते हुए महज 15 दिन के अंदर इसकी पूरी राम स्तुति हमने कंप्लीट कराई। फिर इसके लिए हमने इंडिया बुक और इंटरनेशनल बुक में अप्लाई किया तो वहाँ से इसको यंगेस्ट टू रिसाइट, जो सबसे युवावस्था में अपने राम स्तुति गाने वाला बच्चा है, उसके अंदर इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, प्लस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी एक अप्रिसिएशन मिला। तो उसके बाद हमने उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए सोचा कि क्यों ना इसकी एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च की जाए जिसके अंदर पूरा राम जी का एक दृश्य को कवर किया जाए कि राम जी ने किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया है, किस तरह से वह वनवास से निकले हैं और अपना वनवास जंगल में बिताया। उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए इसकी अलग अलग जगह जाकर ऐसी जगह पर शूटिंग लेने की कोशिश करी जो राम जी के जीवन से मिलती हुई थी। तो वह सीन्स हमने भीलवाड़ा के प्लस आसपास के चित्तौड़ के कुछ सेलेक्टेड ऐसे जंगल वाले जगहों को लेकर इसकी पूरी एल्बम को हमने शूट किया। काफ़ी तकलीफें भी आई इसको शूट के लिए, एक ही दिन में 25 से 26 बार तक राम स्तुति को गाना पड़ा और इसने पूरी पूरी राम स्तुति हर बार में कंप्लीट गई ताकि इसकी वीडियो बहुत बेहतर बन चुके और वो गाते गाते आज हमने इसकी पूरी म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर पाए हैं और आज ये 5 वर्ष का कंप्लीट हुआ है। तो इसके जन्मदिन के अवसर पर ही हमने सोचा कि क्यों ना इसकी एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च की जाए, तो वो एल्बम हमने आज लॉन्च करी है। आपके इस छोटे से बालक को अंतर्राष्ट्रीय बुक रिकॉर्ड के लिए नवाजा गया, उसके अंदर आप इनकी माँ है, क्या कहना चाहती है आप? ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं 5 साल की एज, मतलब एक्चुअली ये हमारे लिए भी एक मतलब सोचिए कि ये ना पहले हम मतलब कि कैसे अपन रिकॉर्ड के लिए इसको, हमने कभी रिकॉर्ड के लिए तैयार नहीं किया था, पर जब अप्लाई किया और वहाँ से जब हमको ये टाइटल मिला यंगेस्ट स्पीड और का अवार्ड का जो टाइटल दिया गया उसके बाद तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि इसने हमारे परिवार का नाम गौरवान्वित किया। और आगे भी मैं ये चाहती हूँ कि बस इसी में नहीं, आगे हर क्षेत्र में ये इसी तरह सफलता प्राप्त करे और बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम करे, अपने अपने भीलवाड़ा सिटी का, अपने समाज का, ये देश का हर जगह नाम रोशन करे। जी अभी हमारे बीच के अंदर इनके जो नाना जी है, वो क्या कहना है इस छोटे से बालक जो एक खेलने की जो एक अवस्था है, उस खेलने की अवस्था के अंदर इसने एक अंतर्राष्ट्रीय बुक रिकॉर्ड 2023 के अंदर अपना नाम दर्ज करवा लिया, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टरेट का मेरे को मानक डिग्री मिली हुई अर्जुन मुंडा मेरा नाम है। शुरू से हमारा परिवार धार्मिक आस्थाओं और इन पे जैसे गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिषद और सारी जो धार्मिक संस्थाओं उनके काम से परिवार से जुड़ा हुआ रहा है। इधर भी जब मेरी बेटी का ब्याह हुआ तो भी परिवार इसी तरह का मिला हमें। जी बच्चे का जब से जन्म से 2 साल से मैं देख रहा हूँ, विलक्षण प्रतिभा है। जी प्रतिभा इस तरह की है कि आपने अभी भी देखा होगा और जब भी कहीं देखेंगे
तो कभी भी संतुलित तो कंसंट्रेशन होकर 5 मिनट भी आपकी बात नहीं सुनेगा जी। उसको जब करना होगा जब तो कर लेगा, लेकिन आपकी बात 5 मिनट नहीं सुनेगा, 2 मिनट नहीं सुनेगा। और उसका जो भी जवाब होगा या उसका जो भी प्रस्तुति होगी वो आप अकल्पनीय होगी जी। जैसे लगता है ऑटोमेटिक वो याद कर रहा है, ऑटोमेटिक याद हो गया, ऑटोमेटिक किसी चीज़ को कर रहा है। अभी इस उम्र में चेस खेल रहा है, मेरे साथ भी चेस खेला, मैं चेस में अच्छा हूँ। और इनके संग्राम इंटरनेशनल स्कूल में भी जब मैं आया था तो मैं विन भी करके गया था, बच्चों के अभिभावक पर मेरा नाम चेस कर गया था। तो इस तरह से इसकी विलक्षण प्रतिभा अपने आप में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और इनके परिवार के लिए, सोनी परिवार के लिए बहुत गौरवान्वित करती है। और देश और जिले और सब समाज अपने इसका आगे से आगे इसकी उन्नति हो, इसकी शुभकामना मैं बधाई भी देता हूँ बच्चे को जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोगों ने अभी पूरी बात की इस छोटे से पार्थ सोनी, जो सोनी परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन इस छोटी सी महज 5 वर्ष की उम्र के अंदर जहाँ खेलने की अवस्था होती है, उसने अंतर्राष्ट्रीय बुक रिकॉर्ड के अंदर और इंडिया बुक रिकॉर्ड 2023 के अंदर अपना नाम दर्ज कराकर एक अच्छी जीत हासिल करी उसने। यह इनके परिवार के लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। भारत एक्सप्रेस के लिए धीरज कुमार शर्मा भीलवाड़ा से।